हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काव्या अपनी माँ नैना के साथ रहा करती थी। काव्या की माँ नैना ने काव्या को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि नैना का पति यानी काव्या के पापा और उसकी माँ का बहुत समय पहले ही डाइवोर्स हो चुका था। काव्या की नीली आंखें सभी का मन मोह लेने वाली थी, लेकिन उसके शरीर से सब उसे मोटा कहते। जी हाँ, काव्या शरीर से थोड़ी हेल्दी थी, इसलिए सब उसे चिढ़ाने के लिए मोटा कहा करते। ऐसे ही एक दिन काव्या अपने कॉलेज से घर आ रही होती है, तभी उसकी नजर मोमोज पर जाती है। मोमो, बहुत दिन हो गए हैं मोमोज खाए हुए। एक काम करती हूँ, मोमोज खा लेती हूँ, उसके बाद आराम से घर जाऊंगी। काव्या अब मोमोज खाने के लिए मोमोज के स्टॉल पर जाती है और एक प्लेट मोमोज लेकर खाने लगती है। वो खा ही रही होती है कि तभी उसकी सहेली शीला उसे मोमोज खाते हुए देख लेती है। शीला अब काव्या के पास जाती है और उसकी प्लेट से एक मोमोज निकालकर खा लेती है। काव्या, अगर तू ऐसे ही बाहर का छुप छुप कर खाती रहेगी तो पतली कैसे होगी? यार, एक प्लेट मोमोज खाने से कुछ भी नहीं होता। ये तुझे लगता है, पर तू जानती है कि मोमो मैदे से बना होता है और मैदे वाली हर चीज के लिए बेकार है। जितना मैदा खाएगी उतना ही फैट तेरे शरीर में बढ़ता जाएगा, जिसके बाद तू और ज्यादा मोटी हो जाएगी। अरे, तुझे भी साथ मोमोज खाने हैं तो खा ले, पर ऐसे मोमोज के बारे में कुछ बोल मत। भैया, एक प्लेट और मोमोज लगा देना। काव्या की बात सुनकर शीला काफी जोर से हंसती है, जिसके बाद वो दोनों सहेलियां मोमोज खाकर अपने घर की ओर निकल जाती हैं। घर जाने के बाद काव्या अपने कमरे में जाकर लेट जाती है, तभी वहाँ पर काव्या की माँ नैना अपने हाथों में खाने की प्लेट ले आती है। काव्या, आज आने में देरी कैसे हो गई? अगर मैंने माँ को बताया कि मैंने बाहर मोमो खाए हैं तो वो मुझ पर काफी भड़केगी, इसलिए मुझे माँ से मोमो वाली बात छुपानी होगी। माँ, वो क्या है ना, मैं शीला के साथ उसके घर चले गई थी, इसलिए आने में देरी हो गई। चल, कोई बात नहीं, आज तो तू लंच भी लेकर नहीं गई थी, इसलिए तुझे भूख भी लग रही होगी ना। देख, आज मैंने तेरी मनपसंद खाना बनाया है, छोले और बटर वाली रोटी। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, आजा साथ में खाना खाते हैं। क्या, पर मैंने तो खाना खा रखा है, मेरे पेट में तो इतनी भी जगह नहीं कि मैं माँ के साथ एक रोटी भी खा सकूं। पर माँ ने बहुत प्यार से छोले और बटर वाली रोटी बनाई है, माँ ने भी अब तक खाना नहीं खाया है। काव्या, क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई है तू? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। नहीं माँ, मैं किसी सोच में नहीं पड़ी, मैं तो बस आपको देख रही थी। आपको पता है, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है। काव्या अपनी माँ को गले से लगा लेती है और अपनी माँ के साथ खाना खाने लगती है। वो केवल डेढ़ ही रोटी खाकर उठकर हाथ धोने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसी समय नैना काव्या का हाथ पकड़ लेती है। कहाँ चली ये आधी रोटी छोड़कर? माँ, मेरा पेट भर गया, अब मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने को। क्यों नहीं है, बाहर का कुछ खाया था क्या तूने? माँ, कैसी बात कर रही हो आप, मैं भला बाहर का क्यों खाऊंगी? वैसे मैंने डेढ़ रोटी खा ली है, अब अगर मन नहीं है खाने का तो क्या करूं इसमें? पर तू तो कम से कम दो रोटी खाती थी। माँ, आज मन नहीं है, और वैसे भी अगर मैंने डेढ़ रोटी खा ली तो क्या हो गया? काव्या सही से खाना नहीं खाती और हाथ धोकर अपने फोन में लग जाती है। समय गुजरता है और बीते समय के साथ अब काव्या आए दिन बाहर खाना खाकर आ जाया करती और घर में केवल डेढ़ रोटी ही खाती। ये देखकर नैना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक दिन काव्या से कहती है, ये जो तू डेढ़ रोटी खा रही है, इससे अच्छा है कि तू रोटी ही मत खा। देख, अगर आज तूने सही से खाना नहीं खाया ना, तो सच बता रही हूँ, मैं तेरे हिस्से का खाना बनाना ही बंद कर दूंगी। माँ, आपको पता है मैं जानबूझकर डेढ़ रोटी खाती हूँ, मुझे सब लोग मोटा मोटा कहते हैं, मैं पतला होना चाहती हूँ, बस इसलिए मैंने डाइटिंग को चुना है। बेटा,
ये डाटिंग वाटिंग जो तू कर रही है ये इसका हल नहीं है। और तू मेरा बच्चा तो कहाँ मोटी है। माँ, हर माँ को अपना बच्चा पतला ही लगता है। काव्या गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन काव्या शीला के साथ कॉलेज की लाइब्रेरी में जा रही थी, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़का काफी फिट और हैंडसम था। काव्या उस लड़के को देखती ही रह जाती है। अरे अरे, उधर क्या देख रही है? नहीं तो वो, मैं तो कुछ भी नहीं देख रही थी। अब तो अपने बेस्ट फ्रेंड से भी चीजें छुपाने लग गई है। शीला की बात सुनकर काव्या मुस्कुराती है और उसकी मुस्कान से शीला समझ जाती है कि काव्या उस लड़की को पसंद करती है। देख काव्या, मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। वो लड़का सही नहीं है, और अगर वो सही हुआ भी तो वो तुझे कभी नहीं अपनाएगा। तूने खुद को और उसको देखा है ना? पर शीला, मुझमें कमी ही क्या है? कमी तुझ में नहीं बल्कि तेरे शरीर में है। आई होप तू समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर तुझे उस लड़की को अपना बनाना है तो पहले तू पतली हो। शीला की बात सुनकर अब काव्या ठान लेती है कि वो पतली होकर ही रहेगी। समय गुजरता है और समय के साथ काव्या डाइट के साथ जिम भी जाने लगती है। देखते ही देखते काव्या भी फिट हो जाती है, लेकिन अब उसकी कम खाने की आदत हो जाती है। ऐसे ही एक दिन काव्या अपनी माँ के साथ खाना खा रही होती है और डेढ़ रोटी खत्म होने के साथ ही वो खाने से उठ जाया करती। माँ, मेरा हो गया। अरे, अब तो तू पतली भी हो गई है, अब तो सही से खाना खा ले। नहीं माँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, अभी मैं जल्दी में हूँ। पर तुझे जाना कहाँ है? अब मैं आपको क्या बताऊँ कि आपकी बेटी आज अपने सपने के राजा को प्रपोज करने जा रही है। काव्या नैना की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आज काव्या काफी खुश थी, क्योंकि उसने सोच रखा था कि आज वो अपनी पसंद के लड़के को अपने दिल की बात कहकर उसे हमेशा के लिए अपना बना लेगी। काव्या अपने हाथों में गुलाब के फूल को लेकर कॉलेज जाती है। काव्या की नज़र उस लड़के को ढूंढ ही रही थी, पर ये क्या, उस लड़के के साथ कोई और ही लड़की थी। उसको एक लड़की के साथ देखकर मानो काव्या के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। काव्या, काव्या क्या हुआ? दरवाजा खोल। नैना काफी देर तक काव्या का दरवाजा पीटती है और आखिरकार काव्या अपने कमरे का दरवाजा खोल ही देती है। मेरी बच्ची, आखिर तुझे हुआ क्या है? तूने खुद की ऐसी हालत क्यों बनाई है? माँ काव्या अपनी माँ को रोते हुए सब कुछ बता देती है। ये जानने के बाद कि उसकी बेटी का दिल टूट चुका है, नैना अपनी बेटी को काफी संभालती है और उसे समझाती भी है। मेरी बच्ची, आजकल की दुनिया में प्यार नहीं होता है। अगर आजकल के प्यार सच्चे होते तो शायद तेरे पिताजी और मेरे बीच कभी तलाक नहीं होते। मैं तुझे बस इतना ही समझाऊंगी कि तू किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दे मेरी बच्ची, ये दुनिया बहुत जालिम है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, शायद मैं ही पागल थी जो उस लड़के के प्यार में पतली हुई। मैं ही पागल थी जो उसके पीछे पागलों की तरह डेढ़ रोटियां खाती रही, ये सोचकर कि मैं पतली हो जाऊंगी। लेकिन अब नहीं, अब मैं जो भी करूंगी वो मैं खुद के लिए करूंगी। नैना जो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है वो काव्या समझ जाती है, जिसके बाद अब वो फालतू की चीज पर ध्यान नहीं देती और अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक बड़ी सी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग जाती है और अपने काम पर खूब ध्यान देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।